गौरव भाटिया राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के वारिस पठान साहब प्रवक्ता एआईएमआईएम के आशुतोष वर्मा प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के धनवीर चौधरी प्रवक्ता बीएसपी के सभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव भाटिया जी और आप सभी को वारिस पठान साहब आपको भी वर्मा जी आशुतोष वर्मा और साथ ही हमारे साथ कुछ और मेहमान भी जुड़ रहे हैं सभी को छोटी दीपावली पर आज हार्दिक शुभकामनाएं। सरयू तट का नजारा हम दिखा रहे हैं। प्रभु राम और राम मंदिर के निर्माण के साथ ही जो आज अयोध्या जिस मकाम पर जिस मोड़ पर खड़ी है गौरव भाटिया जी, इस रोशनी से वो चाहती है कि विकास की राह खुले। इस रोशनी से वो एक संदेश पूरे विश्व को देना चाहती है कि पर्यटन में इजाफा हो, विकास हो, रोजगार हो, वहां पर तरह तरह से निवेश हो, इस सब पर लोगों का वहां पर ध्यान है। ये दिवाली तो है ही जगमगाती हुई, लेकिन क्या कल भी जगमगाती हुई होगी, परसों भी और ऐसे ही आने वाले वर्ष भी? अंजना जी, आज तक के माध्यम से सभी दर्शकों को और 130 करोड़ भारतीयों को मैं दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं। और वाकई अब की दीपावली अपार खुशियों वाली, और इसलिए मैं ये कहता हूं कि आप देखिए किस तरह से भारत ने कोविड पे नकेल डाली है और 13.5 करोड़ टीके हमने उत्तर प्रदेश में लगाए हैं। अभी योगी आदित्यनाथ जी को सुन रहा था, उन्होंने बताया कि जो राशन मुफ्त दिया जा रहा है 15 करोड़ जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं उनको और 80 करोड़ भारतीयों को ये होली तक मुफ्त दिया जाएगा। और अभी एक और शुभ समाचार आपके चैनल ने दिया कि कोवैक्सीन को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी मान्यता दे दी है। लेकिन अंजना जी, हमें नहीं भूलना चाहिए कहीं दीप जले कहीं दिल जले, और दिल किसके जल रहे हैं वो हम सब जानते हैं। जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं थी, कभी आपने नहीं देखा होगा इस तरह से दीपोत्सव मनाया जा रहा हो। और इस उजाले में हम ये उम्मीद करते हैं जो नफरत का अंधकार है, जिस तरह से सांप्रदायिकता की राजनीति होती है, वो भी कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। और आज हमें याद करना चाहिए किस तरह से अयोध्या को जो मान्यता मिलनी चाहिए, जो वो स्रोत है हिंदुत्व का, वो मान्यता अगर किसी ने दिलवाई है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिलवाई है। और इसीलिए आज मैं राजनीति नहीं करूंगा, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, पहले और त्योहारों पे विभिन्न ऐसे पूर्व मुख्यमंत्री हैं जो उठ जाते थे, बधाई देते थे, लेकिन ऐसी दीपावली शायद कभी नहीं बनी हो जैसे अब बन रही है, और ये हमारे भारत की मूल भावना को दर्शाता है। वारिस पठान जी, आपको भी ये नजारा, भव्य नजारा अच्छा लग रहा होगा, पर्यटन होगा, विकास होगा, पैसा आएगा, निवेश आएगा, आपको भी वही रोशनी दिखाई दे रही है ना? देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो आपको, मेरे तमाम को पैनलिस्ट को, पूरे देश भर के लोगों को, और जहां जहां भी आपके लोग ये चैनल देख रहे हैं, आप सबको मेरी ओर से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी दिवाली। अब देखना यह है कि दिवाली के अवसर के ऊपर नजारा तो बहुत अच्छा है, लोगों को दिवाली बनाना भी चाहिए, त्यौहार है, हम पूरे देश मिलकर दिवाली बनाता है, मगर यहाँ पे 9 लाख दिए जलाए जा रहे हैं। अंजना जी, क्या ये आपको अपीसमेंट पॉलिटिक्स नहीं दिख रहा है चुनाव के पहले? अब ये देखने वाली बात यह कि कुछ दिन पहले ही वहीं पर यूपी में ही हजारों लोगों की जाने चले गई बिना ऑक्सीजन के, बिना हॉस्पिटलों के, तो उनके घर वालों के दिलों को ठेस नहीं पहुंचेगी तो कितना कठोर हृदय हो गए। देखिए, आप त्यौहार बनाइए मगर उनकी भावनाओं को भी तो ख्याल रखते। अभी आंकड़े में बता रहा हूं, 70,000 लोग जो सेल्फ एम्प्लॉयड थे, कुछ अनएम्प्लॉयड थे, डेली वेज अर्नर थे, आंकड़े दिखा रहे कि 2020 में उन्होंने आत्महत्या कर ली क्योंकि मोदी जी का जो अनप्लान्ड लॉकडाउन चला, जिसकी वजह से उनको रोजगार नहीं मिला, खान पान नहीं मिला, वो लोगों ने आत्महत्या कर ली। तो क्या ये उनको दिवाली भी बनाने का, उनके परिजनों को भी दिवाली बनाने का अधिकार है? तो उनके लिए आपने कुछ नहीं सोचा? ये इतने रुपये में किसका पैसा है? ये टैक्स पेयर मनी। आप इस पैसे को इस्तेमाल कर सकते थे, कोविड के लिए नया हॉस्पिटल बना सकते थे, थर्ड वेव आने के पहले कुछ इंतजाम कर लेते, ऑक्सीजन के प्लांट्स लगा दिए होते तो मैं समझता हूं ज्यादा होता। देखिए, दिवाली तो अंजना जी आप भी बनाएंगी आपके घर में, तो क्या आप भी 9 लाख दिए तो नहीं जलाएंगे? दिए तो 7 भी जला सकते, 11 भी जला सकते, जितने जलाएंगे। दिवाली त्यौहार बनाना है, मगर कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि इस तरह से अपीजमेंट पॉलिटिक्स बिफोर दिवाली कर, बिफोर यूपी का चुनाव, ये एक तरह का शोभा नहीं देता। क्या योगी ईद के दिन 9 लाख लोगों को शीर खुरमा खिलाएंगे?
नहीं खिलाएगी, क्योंकि उनके पहले भी आके गए काफी कथाकथित सेक्युलर पार्टियां जो ईद में चले गए टोपी पहन के, बाकी किया तो कुछ नहीं मुसलमानों के लिए। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि सरकार का जो दिल है वो बहुत कड़क हो चुका है, उनको इतने लोगों की जाने चले गई देश में, उनकी फिक्र नहीं है, इस तरह का ये कर